एवरीवन, दिस इज मी साबिया हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग, जो कि होगी उन लोगों के लिए जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं, जहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है या फिर आपकी लाइफ में कोई और इंसान है, और आप ऐसी सिचुएशन में जानना चाह रहे हो कि क्या ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कभी ख़त्म होगी, चाहे आपके एंड से या आपके पर्सन के एंड से, ताकि आप और आपका पर्सन जो चाहता है, आप दोनों का एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन है, ताकि आप उस कनेक्शन को इन कोई यू नो कनेक्शन में इन्वेस्ट कर सको। सो क्वेश्चन यही रहेगा कि क्या ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म होगी और आपका कनेक्शन आपके पर्सन के साथ परफेक्टली परफेक्ट हो पाएगा, हाँ या ना। सो इस रीडिंग में मैं ओरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड करूँगी, जस्ट टू लेट यू नो कि आपको क्या करना चाहिए ताकि जो आप चाहते हो अपने पर्सन के साथ वो पॉसिबल हो सके। सो या रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊँगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, फिर बहुत से ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रिचार्ज करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि जो भी थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन चल रही है आपकी लव लाइफ में अपने पर्सन के साथ, क्या वो कभी ख़त्म हो पाएगी और आप लोग एक दूसरे के साथ आ सकोगे, हाँ या ना। लेट्स सी, द स्ट्रेंथ, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि आपको काफ़ी स्ट्रांग रहना पड़ेगा इस सिनेरियो में, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा यही है कि आपका प्यार, आपका कनेक्शन जो है वो विन करेगा ओवर ऑल द करंट सर्कमस्टांसेस। जो भी आप दोनों के दरमियान में चल रहा है, जो भी रुकावटें आ रही हैं आप दोनों के दरमियान में, मुझे लगता है कि स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है और ऑटोमेटिकली सारा जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है करंटली, हाँ मुझे लगता है इस सिचुएशन में, लेकिन इट्स इट्स मोर अबाउट आपकी लाइफ आपका डिसीजन, आपके पर्सन की लाइफ उसका डिसीजन। तो मुझे लगता है कि जहाँ पे आप ज़्यादा लोगों के ओपिनियंस को यू नो अहमियत दोगे, वैल्यू करोगे, उतना आप अपनी लाइफ खुद के लिए नहीं जी सकोगे। सो मुझे लगता है कि स्लोली बट श्योरली जो है चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाएंगी। आपके लिए एक स्ट्रांग रहते हुए डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है राइट नाउ, और मुझे लगता है कि इवेंचुअली चीज़ें वर्कआउट होने लग जाएंगी। थोड़ा मुझे लेकिन लग रहा है कि डिलेज आएंगे इस सिचुएशन में आपके पर्सन के साथ, कहीं ना कहीं लोगों का इन्फ्लुएंस जो है वो चीज़ों को स्लो डाउन करेगा। लेकिन अगेन वही बात फिर से कहूँगी कि आपकी लाइफ आपका डिसीजन, आपके पर्सन की लाइफ उसका डिसीजन। अगर तो दूसरे लोगों का ओपिनियन आप ज़्यादा सर पे सवाल करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए इस सिचुएशन से निकल पाना ज़्यादा ईजी रहेगा। लेकिन यस, अगर आप लोगों के ओपिनियन को इतना मैटर नहीं करोगे या उसको इतनी वर्थ और वैल्यू ना दो, तो चीज़ें जल्दी सॉर्ट आउट हो सकती हैं। मुझे लेकिन लग रहा है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए जो है सिचुएशन जो है वो जल्द ये जो सिचुएशन है वो जल्द उससे आप जल्द से जल्द निकल सकोगे और फाइनली चीज़ें आगे बढ़ेंगी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से आप थोड़ा शायद खुद भी थोड़ा डगमगाओगे या आपका पर्सन भी थोड़ा डगमगाएगा, लेकिन इवेंचुअली मुझे लग रहा है कि सक्सेस जो है वो आपके और आपके कनेक्शन के आपके पर्सन के जो कनेक्शन है उसको ही मिलेगा। जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो डेफिनेटली एंड हो जाएगी, क्योंकि इट्स कमिंग एज अ नेगेटिव वाइब टू यू और टू योर पर्सन। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपका स्ट्रांग रहना, अपने ओपिनियंस को मैटर करना, अपने डिसीजंस को मैटर करना बहुत ज़रूरी है, और इवेंचुअली सक्सेस आपका डेफिनेटली रहेगा अपने अपने कनेक्शन को लेकर। सो मुझे नहीं लगता कि इट्स गोना बी थोड़ा जो डिफ़िकल्ट है फेज वो यही है कि शायद जो वेटिंग पीरियड है वो आपके लिए थोड़ा वो रहेगा, थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप स्ट्रांग रहो और आप आपके पर्सन जो हैं वो स्ट्रांग रहें, तो चीज़ें इवेंचुअली जो है वो अच्छी हो सकती हैं। लेट्स टेक मोर कार्ड्स हियर, लेट्स सी कि और क्या चल रहा है इस सिचुएशन में जहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है।
मुझे लगता है कि जो भी आपका जो पर्सन है, जो भी थर्ड पर्सन है यहाँ पर इस सिचुएशन में, मुझे लगता है कि उसके एंड से काफ़ी सारी डिसेप्टिव एनर्जीज आ रही हैं और आती रही हैं हमेशा से। चाहे आपकी लाइफ में थर्ड पर्सन है जिससे आप ब्रेक फ्री करना चाहते हैं, या फिर आपके पर्सन की ज़िंदगी में है, जो थर्ड पर्सन यहाँ पे इन्वॉल्व है, मुझे लगता है कि वो हमेशा माइंड गेम्स खेलता है और कहीं ना कहीं उससे ब्रेक फ्री करना थोड़ा आपके पर्सन के लिए या आपके लिए मुश्किल रहेगा। लेकिन इवेंचुअली मुझे दिख रहा है कि आप उसकी बातों में नहीं आओगे और चीज़ें जो है ब्रेक फ्री कर सकोगे सिचुएशन से। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको डिवाइन हेल्प जो है वो ज़रूर रहेगी। लेकिन अगेन मुझे लगता है कि यहाँ पे लोगों का इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज़्यादा काम ख़राब कर सकता है। इसलिए बार बार मैं एक बात कहूँगी कि लोगों का ओपिनियन अगर आप सुनने बैठो और अपनी ज़िंदगी जो है उसने क्या कहा, इसने क्या कहा, फैमिली हो गई, फ्रेंड्स हो गए, मुझे लगता है कि तो चीज़ें आपके लिए ख़राब हो सकती हैं। अगर आप अपने दिल की सुनो अराउंड द सिचुएशन, और आपका पर्सन भी अपने दिल की सुनेगा, तो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं जल्दी। इवेंचुअली मुझे लग रहा है कि आपका और आपके पर्सन का कनेक्शन जो है वो सही हो जाएगा, बट मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी ड्रामा जो है वो इन्वॉल्व होता दिख रहा है। लेट्स सी कि आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन को अपने हक में ले जाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। आप ऐसे कुछ लोग हो सकता है कि लियो हो सकता है कि ईगो इश्यूज भी आ जाए बीच में, कहीं ना कहीं ये भी आ जाए कि लोग क्या कहेंगे, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, हमारे ख़ानदान में ये नहीं होता, हमारे रिलीजन में ये सब नहीं होता, तो वो चीज़ें काफ़ी मैटर कर सकती हैं। जहाँ पे प्राइड का मामला आ जाए, जहाँ पे एक वो जो एक वो चीज़ होती है कि हाँ ये ऐसा तो हमारी फैमिली में कभी नहीं हुआ, वो एक अजीब किस्म का एक वो एटीट्यूड रहता है, तो वो चीज़ें भी आपके कनेक्शन को जो है ब्लॉक कर सकती हैं। सो यू नीड टू ब्रेक फ्री फ्रॉम इट। योर ड्रीम नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान। आप से कुछ लोग हो सकता है टॉरस हो या टॉरस को डील कर रहे हो, जो भी आपके ख्वाब है इस इंसान को लेकर, सिचुएशन को लेकर, उसके लिए आपको प्रैक्टिकल प्लान लेकर चलना पड़ेगा। अगेन जहाँ पे प्लान की बात आती है, तो अगेन इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन यू। कहीं ना कहीं आपके लिए अपने डिसीजन लेना और अपने डिसीजन के ऊपर स्टिक करना रिगार्डलेस ऑफ कि लोग क्या कहेंगे, वो बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि उसी से आपकी कनेक्शन की जो है वो टोन सेट हो जाएगी और उसी की बेस के ऊपर आपका कनेक्शन जो है वो आगे बढ़ेगा। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। आप ऐसे कुछ लोग हो सकता है पाइसिस हो या पाइसिस को डील कर रहे हो या फिर वाटर साइन से बिलोंग कर रहे हो। मुझे लगता है कि आपके लिए क्या ये कनेक्शन जिसके लिए भी आप कोशिश कर रहे हो कि ये आपके लिए सही है या नहीं है, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये जानना भी ज़रूरी है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सीक गाइडेंस फ्रॉम द हेवेंस, मेडिटेट करो, कॉन्टेम्पलेट करो, सोचने की कोशिश करो कि क्या आप जो डिसीजन ले रहे हो वो सही है, क्या ये पर्सन जो आप जिसके लिए भी ये स्टेप लेना चाह रहे हो, क्या ये पर्सन सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक एक छोटी सी एक मुझे वो एक एनर्जी जो है वो उस तरह से फील हुई है यहाँ पर इस कार्ड के साथ कि शायद कुछ लोगों के लिए आपके लिए जो आप थर्ड पार्टी के पीछे भाग रहे हो या उसके चक्कर में हो, वहाँ पे आपको थोड़ा रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कुछ लोगों के लिए। सो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दैट। और अगेन आप मेडिटेशन करोगे, कॉन्टेम्पलेट करोगे, तो आपको डेफिनेटली गाइडेंस मिल जाएगी कि क्या वर्दी है आपका पर्सन इस सिचुएशन के लिए कि आप उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हुए आप उसको चूज़ करो ओवर ओवर पीपल और उनके ओपिनियन के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए, शायद ज़्यादा लोगों के लिए ये मैटर करे कि आप अपनी सुनो, अपनी करो, लेकिन बहुत कम लोग आप में से ऐसे भी होंगे, क्योंकि ये जनरल वील है जहाँ पे शायद लोग आपको सही बात कर रहे हैं, बट आप क्योंकि इतना ज़्यादा फील करते हो इस पर्सन को लेकर, आपके लिए उस इंसान को लेट गो करना पॉसिबल नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए शायद ये पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा या अच्छा साबित नहीं होगा। अगर आपके लिए ऐसा है कि पर्सन आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा, तो क्या एक्सपेक्ट, क्या ओरेकल गाइडेंस है? लेट्स टेक ओरेकल गाइडेंस उन लोगों के लिए जो कि शायद आपके लिए ये पर्सन अच्छा ना हो, जो कि जिसके साथ वर्कआउट नहीं हो रही चीज़ें भी आपके लिए। लेट्स सी, पास्ट लाइफ्स। रिलीज योर पास्ट लाइफ कार्मा। यू आर एन ओल्ड सोल विद डीप विजडम। हीरिंग योर पास्ट लाइफ्स विल रेज योर वाइब्रेशन। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग हो सकता है कि इस इंसान के साथ एक कार्मिक रिवॉर्ड के लिए आए हो, और मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि ये सोलमेट है, बट वो सोलमेट नहीं है। ये पर्सन, ये कनेक्शन आपके लिए
पास्ट लाइफ कार्मा को रिलीज करने का एक तरीका था गॉड का, डिवाइन का, जिससे अब आप निकल सकते हो, लेकिन समहाउ आप निकल नहीं रहे हो या निकलना चाह नहीं रहे हो, थिंकिंग कि शायद ये सोलमेट है. अगेन रिकमेंड करूंगी कि मेडिटेट करो, कॉन्टेम्पलेट करो, एंड यू विल सी कि पास्ट लाइफ कार्मा था जो कि आपने डील किया, या फिर ये आपका पर्सन है जिससे यू आर डेस्टाइंड टू बी टुगेदर हो. सो डू डू फाइंड आउट दैट फॉर योर सेल्फ, एंड या दैट्स प्रीटी मच इट कमिंग अप फॉर यू इस रीडिंग के लिए. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय.